सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं, जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बता दें दोस्तों कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, एक लाइक से चैनल को सपोर्ट मिलता है और ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली सूचना से। कैन बोर्ड अध्यक्ष से मिलने के लिए सप्ताह भर पहले लेना होगा समय। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन करने वाले पर अंकुश लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। अब टीजीटी प्रवक्ता के अभ्यर्थियों और नेताओं को अध्यक्ष से मिलने के लिए एक सप्ताह पहले सचिव को सूचना देकर समय लेना होगा। चयन बोर्ड की सचिव कृति गौतम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आए दिन कार्यालय पर आने वाले अभ्यर्थी अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन देने की मांग करते हैं, जो कार्यालय की प्रक्रिया की दृष्टि से उचित नहीं है। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी पहले सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ज्ञापन देंगे। अभ्यर्थी अध्यक्ष को ज्ञापन देने की सूचना 7 दिन पूर्व ईमेल, डाक अथवा स्वयं आकर सचिव चयन बोर्ड कार्यालय को देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई सूचना स्वीकार नहीं होगी। सचिव का कहना है कि समस्या का निदान न हो पाए तो कार्रवाई में विलंबन का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष से मिलने का अनुरोध कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक और जो है विलंबन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है जो आने वाली नई विज्ञापन है। लेकिन आपको हारना नहीं है, बहुत बम्पर हम लोग आंदोलन करेंगे और इनको हर हाल में जो है विज्ञापन जारी करना पड़ेगा और वो जारी भी होगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जल्द। दोस्तों बता दें कि अगर आप डिग्री कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में टीचर बनने की, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो है आयोग एक्टिव हो गया है। शासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों में 2016 पदों पर होनी है भर्ती, 7 को एजेंसी का होगा चयन। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए 7 जनवरी को एजेंसी की चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चयनित एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उच्च शिक्षा निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के मिल चुका है भर्ती कराने के लिए आदेश मिल चुका है। तो दोस्तों एजेंसी का चयन होने के बाद जारी होगा विज्ञापन, शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है दोस्तों। बता दें कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा 30 जनवरी को। दोस्तों उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 12 जनवरी तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बता दें दोस्तों आज के समाचार पत्रों में यही सारी खबरें छाई हुई हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिगर दिख रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विवादित प्रश्न थे उसके लिए छात्रों का आंदोलन चल रहा है कि लगभग 2 वर्ष बीत गए और अभी तक जो है कुंजी का निस्तारण नहीं हो पाया। इसके लिए छात्र उग्र हो गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो गलत प्रश्न थे, जो विवादित प्रश्न थे, उसका जो है आंसर की जारी किया जाए। तो बता दें दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और सबसे पहले मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंचनी है तो उसके लिए वही काम जो मैंने अभी बताया कि राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक सूचना और मिल चुकी है कि जो यूपी टीटी का नोटिफिकेशन है वो लगभग मान के चलिए कि 1 सप्ताह बाद आने की प्रबल संभावना है। और परीक्षा की भी सूचना मिली है जो कि मार्च के 2 सप्ताह के प्रथम डे में या मार्च के 1st वीक में हो जाएगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए और ये चुनावी वर्ष है, आपको बहुत सारी वैकेंसियां मिलेंगी देखने को। तो दोस्तों पीएस क्लासेस हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहा है बिल्कुल फ्री, उसको आप देखें और इसे ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो, एंड तक आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।